अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जहाँ पर ईवीएम को लेकर सारे मुल्क में एहतजाज किया जा रहा है, वहीं पर एक बड़ा हिस्सा खामोशी से तमाशा देख रहे हैं। वो नौजवान जो तब्दीली तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते कुछ, ना ही तो करना चाहते हैं, सिर्फ बातें सुनते हैं पॉलिटिकल लीडर्स की और ऑब्जर्विंग करते हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ करना नहीं चाहते। लेकिन ये लोग जो इंदिरा पार्क धरना चौक पर ये लोग जो बैठे हुए हैं, जो मेरे बाजू नज़र आ रहे हैं, ये लोग वो दीवाने हैं जो इस मुल्क को ईवीएम से हटाएं और ईवीएम से हटाकर देश को बचाने का काम ये लोग कर रहे हैं। आपको नज़र आता है कि ये चंद लोग हैं, लेकिन ऐसे ही लोग की टोली आज़ादी के वक्त भी अंग्रेज़ों के खिलाफ भारी पड़ गई थी। इसके बाद से अंग्रेज़ों को इस देश को छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन आज लड़ाई ईवीएम मशीन की है, हमारे संविधान को बचाने की है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो कानून बनाया, जो संविधान बनाया, उसको बचाने की है। आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक स्टेज पर खड़े रहकर कोशिश ये कर रहे हैं कि आज हमें हिंदू मुस्लिम करना नहीं है, हमें सारे लोगों को एक जगह होना है और एक होकर ही ऐसे चंद लोगों के खिलाफ हमारी लड़ाई है जो हमें आपस में बांट रहे हैं, हमारे ऊपर मुख्तलिफ किस्म के कानून लागू कर रहे हैं। आज ये किसी एक की लड़ाई नहीं, ये हर किसी की लड़ाई है। जब आप ये लड़ाई लड़ेंगे तो फिर आपके जो बच्चे हैं, जो आप के जो आने वाले जो जनरेशन है, वो सुकून से रह पाएगा। वरना याद रखिए, जिस तरह से ये मुल्क को खोखला करते जा रहे हैं कुछ ऐसे लोग, ऐसे लोगों की हिम्मत इसलिए बढ़ रही है कि हम आपस में एक नहीं हो रहे हैं। बहरहाल, आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एससी एसटी फेडरेशन की जानिब से महाधरना का प्रोग्राम रखा गया, जहां पर कई ऐसे हमारे शहर हैदराबाद के दानिश्वर लोग यहां पर पहुंचे और सारे लोगों ने, हिंदू सिख मुस्लिम सारे लोगों ने क्राइम टूडे से बात करते हुए कई ऐसे बातों का खुलासा किया। आज आपको हमको समझना ज़रूरी है, आज हमें मैदान में उतरना है, क्योंकि आज अगर हम नहीं उतरेंगे तो आने वाला वक्त और भयानक हो सकेगा, शायद वो मौका भी हमें नहीं मिल पाएगा। आइए सुनते और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे मुल्क को किस तरह से खोखला कर दिया जा रहा है और हमें किस तरह से ये मुल्क को बचाना है। शेख शफी की ये रिपोर्ट। मेरा नाम महेश्वर राज है, मैं ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ एससी एसटी ऑर्गेनाइजेशन का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर उदित राज जी है। आज धरना चौक इंदिरा पार्क हैदराबाद में जो महाधरना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल एससी एसटी फेडरेशन यहाँ पर महाधरना कार्यक्रम लगाए, उसमें हम भी शिरकत लिए हैं हमारे कन्फेडरेशन की ओर से। और यहाँ धरना का मेन गोल यही, एजेंडा यही है कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। आज हम सब देख रहे हैं जो आरएसएस बीजेपी के जो लोग हैं, आज इस देश में जो जमहूरियत है उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और जो आयन है यानी कॉन्स्टिट्यूशन उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम जो एससी एसटी बीसी माइनॉरिटीज़ हम है, हम इसको हरगिज़ होने नहीं देंगे, हम अपने जान तक लगा देंगे। मगर ये जो उन लोगों के एम्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हटाना और जमहूरियत को हटाना, ये हम नहीं होने देंगे। और आप भी जानते हैं कि ईवीएम कितना डेंजर है, जो जमहूरियत को नाश कर रहा है, जमहूरियत को पूरा बर्बाद कर रहा है। कि ये ईवीएम से थोड़े लोग बोलते हैं, आज जो जर्मनी है, यूएसए है, जापान है, ये बड़े बड़े जो देश है वो ईवीएम हटा के, क्योंकि ईवीएम हैक किया जैसा ये वो लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े विद्वान ये जान लिए और वो हटा दिए। आखिर को हमारा छोटा भाई जो बांग्लादेश है, आज बांग्लादेश भी ये जनवरी में जो इलेक्शन हुए, वो जनवरी में वो ईवीएम हटाकर बैलेट लगाए। और हमारे मोदी जी जो बोलते हैं हम सुपरिवार ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट बोलते हैं, ये पूरी मन की बात है, देश की बात
बात है कि ईवीएम हटाना। आज देख रहे हैं जो बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो ये ईवीएम बनाता है, ईवीएम का पूरा कंट्रोल है बेंगलुरु में, उसके चार जो डायरेक्टर है वो चार के चार बीजेपी के सदस्य है, बीजेपी के मेंबर है। आज ईवीएम हैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम सब जितने भी स्कॉलर्स है, आईआईटीएंस है, जो साइंटिस्ट है, वो लोगों को एक 10 ईवीएम देकर देखो, एक घंटे में वो लोग ईवीएम को हैक कर दिखाता हूँ बोल के चैलेंज कर रहे। और आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि आप गवर्नमेंट जो आम आदमी पार्टी का गवर्नमेंट है, वो असेंबली में एक आईआईटीएन एमएलए है असेंबली में ये डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाया कि मैं ईवीएम हैक, आधा घंटा मुझे अगर ईवीएम दीजिए तो मैं ईवीएम हैक करता हूँ बोल के। आज सब लोगों को नहीं मालूम कि ईवीएम का जो मेन सर्वर है वो सर्वर ईसीआई इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो दिल्ली में बैठा है, वहाँ 2-3 लोग ही उसको कंट्रोल करते हैं। जो सर्वर को कंट्रोल करने वाले हैं वो ईसीआई में है, ये जानबूझकर वहाँ पर कर रहे हैं। और थोड़े लोग हमारे में एक वहम है कि भाई तेलंगाना में जीते उधर जीते बोलकर, ये बीजेपी बहुत चालू है, आरएसएस बहुत चालू है, जहाँ पर 19-20 का खेल होता है वहीं पर ही करते, जहाँ पर लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है, एक तरफा होता है, वहाँ पर ईवीएम का नहीं करते। और मेनली उनका उद्देश्य पार्लियामेंट का सीटा जीतना है, असेंबली का नहीं। असेंबली का अब हम में लड़ाई करते कि भाई ईवीएम है तो फिर कांग्रेस कैसा आया, ईवीएम है तो ममता कैसा है, ये हम में झगड़ा करके ये मतभेद करने के लिए, हमारी यूनिटी तोड़ने के लिए असेंबलियों में थोड़ा बहुत यूज़ कर रहे। मगर जब पार्लियामेंट है, आज मोदी जी बोल रहे 400 हम पार करेंगे, कहाँ से 400 पार कर सकते, विदाउट ईवीएम आप नहीं कर सकते। वो बखूबी जानते हैं कि वो ईवीएम का सहारा लेने वाले हैं और ईवीएम का सहारा हर जगह ले रहे, जहाँ पर भी जाओ ईवीएम का सहारा ले रहे। और मैं आवाम को मैं अपील करता हूँ, ये वहम में मत रहिए कि बीजेपी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। 370 हटा दिया, यूसीसी ला लिया, हमारा त्रिपुल तलाक ला लिया, हम कुछ नहीं बिगाड़ रहे, क्योंकि हम अलग अलग लड़ रहे हैं। हमको एकजुट होने का मैं अपील करता हूँ ये मीडिया से, मीडिया द्वारा, कि हमको एक होना है, ये समय आ गया है, हमको एकजुट होकर ये मनुवादी जो है आरएसएस बीजेपी जो हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं, उनके मंसूबों को अगर हमको हराना है तो हमको एकजुट होकर लड़ना है। और हम कन्फेडरेशन जो 22 तारीख को रामलीला मैदान में जो उदित राज जी के नेतृत्व में हमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के लायर साहब जो महमूद प्राचा है और सत्यपाल जैन जो फार्मर गवर्नर है और बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग ये धरना कार्यक्रम इंडिया प्रोटेस्ट कर रहे हैं भारत देश से, मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि वो लोग वहाँ पर 22 तारीख दिल्ली आए और 2 तारीख को हैदराबाद में सेम टॉपिक पे हम सेव कॉन्स्टिट्यूशन सेव डेमोक्रेसी, मतलब आयन को बचाओ, जमहूरियत को बचाओ, इस मुद्दे पर हम 2 तारीख को रविंद्र भारती में कर रहे हैं, उसमें आप शिरकत लीजिए, हमको एकजुट होकर लड़ेंगे तो ही जीतेंगे। शुक्रिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, मेरा नाम सतपाल सिंह खालसा। जिस तरह के आपने आज मुल्क के हालात देख लिए हैं कि जो आज की हुकूमत जिस तरह के हर एक सिस्टम को जिस तरह से कैप्चर कर लिया है, चाहे वो आप इलेक्शन कमीशन रहने दो, चाहे आप संविधान को रहने दो, आज जिस तरह से ये हुकूमत संविधान को ख़त्म कर रही है, संविधान के जो हमारे राइट है, जो हमारे हक है, जिस हमसे छीना जा रहा है, तो आपने देखा है कि हुकूमत कैसे हमारे पे जुर्म नहीं होता कि जुल्म एक हथियार से किया जाए, हमारे हक छीनना भी एक जुल्म है। तो इस जुल्म के खिलाफ अगर आप आवाज़ उठाना चाहते हो तो आपको एक बार रोड के ऊपर उतर के आना पड़ेगा, आपको अपने हक के लिए लड़ना भी पड़ेगा, आपको दिल्ली तक को जाम करना पड़ेगा। अगर हम सोचें कि हम इस तरह के धरने दे के हम अपना हक ले लेंगे तो हक कभी नहीं मिलता, हक लड़ के लेना पड़ता है। हक लड़ना लेना है तो मोदी तक के सामने भी लड़ना पड़ेगा हमें। तो लड़ने के लिए आपको खुद रोड पर, आपने एक टाइम जब आज़ादी हमने ली है तो 200 साल अंग्रेज़ों का गुलाम रहे हैं ये देश, तो इस गुलामी से तोड़ने के लिए लोग रोड के ऊपर आए, अपने हक के लिए लड़े, शहादतें दी, कुर्बानियाँ दी, फिर जाके ये आज़ादी मिली। और ये आज़ादी हमने ली है, हमारे पूर्वजों ने लड़के ली है, मोदी के बाप ने नहीं ली, किसी हुकूमत के बाप ने नहीं ली, किसी हुकूमत ने यहाँ बिठा के आज़ादी नहीं ली।
आज़ादी हमने ली है तो आज़ादी हमारा हक है। आज फिर से एक बार देश को आज़ाद कराना, इस हुकूमत से आज़ाद कराना, तो आज़ादी के लिए आप सबको रोड पे आना पड़ेगा। ये आज़ादी लेने के लिए ईवीएम को बैन करवाना पड़ेगा। ईवीएम बैन तभी होगी अगर आप सब मिलके रोड पे आओ। धन्यवाद। आज इंदिरा पार्क पर धरना है इस मतालबा पर कि जो ईवीएम सिलेक्शन ना करवाए जाएँ बल्कि बैलेट पेपर से करवाए जाएँ। इसकी अहम तरीन वजह यह है कि बीजेपी ने यह नारा लगाया कि अब की बार 400 पार, यानी ये यकीन और एतबार उनको कैसे होगा कि 400 ये पार करेंगे। इसका मतलब सबूत ये है कि गुज़श्ता उन्होंने धांधली की ईवीएम में और उसी वजह से बरसर इख्तदार आए और इस मरतबा भी और मजीद धांधली करेंगे और जब बरसर इख्तदार आएंगे। और जो 2025 का उनका जो एक निशाना जो है इस मुल्क के दस्तूर को बदल देने का, इसलिए कि बंच ऑफ थाट के लिखे हुए जो पूरे 100 साल मुकम्मिल हो रहे हैं। और उन्होंने जो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को इसलिए शहीद किया था कि उस दिन भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर का यौम वफात है, उनका इंतकाल हो गया था। इस तरीके से उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक दलित का बनाया हुआ दस्तूर इस मुल्क में आज ख़त्म होकर रह गया है। तो बतदरीज जो है इस मुल्क के दस्तूर को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और जो है इस मुल्क में जो है हिंदू राष्ट्र का जो ऐलान कर रहे हैं, इसको जो है हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। लेकिन जो है हम अफसोस मैं इस बात पर करता हूँ कि उन दलित भाइयों से जिनको आज इस बात का फ़ख्र है कि उनको जो है भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर ने जो है उनको अपना हक दिलाया, उनको इंसानों की तरह जीने का जो है उनको जो हक दिलाया, उनको चप्पल पहनने का कपड़े पहनने का उनको हक दिलाया, उनको तालीम हासिल करने का हक दिलाया, उनको नौकरियां दिलवाईं। और पूछो आपके उन पूर्वजों से, नांगेली भाई से पूछो जो कपड़े नहीं पहन सकती थी, अपनी छाती काट कर जिसने जो है आप उसने टैक्स में दे दी, अपनी जान दे दी। लेकिन आज तुम उनको भूल गए, उनकी कुर्बानियों को भूल गए, हाँ, और आप जो है जो तेरा फूलों को भूल गए, सबको तुम भूल गए। और आज फिर से तुम जो है आरएसएस के तुम शिकार हो गए। और आज जो है तुम अगर ताकत अगर हो आरएसएस की और मनुवाद की तुम ताकत हो आरएसएस में जाकर, आज तुम ताकत हो, तुम जो है बजरंगदल में जाकर आज तुम ताकत हो, विश्व हिंदू परिषद में जाकर आज तुम जो है उनके जो है शिकार का जो है उनके जो है उनके प्रोपेगेंडे का ऐसा शिकार होगा। आज ये कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तुमको जो है आज हर मस्जिद में जो है वो तुमको जो मंदिर दिखाई देती है, उस मस्जिद को तोड़कर जो है उसको शहीद करके तुम मंदिर बनाना चाहते हो। तुमको याद रखना चाहिए कि तुमको जो है भारत भीमराव अम्बेडकर को किसने जो है असेंबली में भेजा, किसने पार्लियामेंट में किसने भेजा? इन्हीं मुसलमानों ने इस्तीफा देकर जो है बांग्लादेश जो उस वक्त हिंदुस्तान का हिस्सा था, इस्तीफा देकर भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर को जिताया, वहाँ से वो पार्लियामेंट में उनको भेजा ताकि वो आपका एक कानून दस्तूर पासा बनाकर आपको हक दिला सके। और इस वक्त उस वक्त भी हम आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं, लेकिन आपने अपने हक को भुला दिया। आप इस बात को समझो। और आज अगर इस मुल्क का दस्तूर ख़त्म हो गया मुसलमानों को निशाना बनाकर, मस्जिदों को निशाना बनाकर, मुसलमानों को कत्ल करके, अब ये समझते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनना हम खुश हैं, तो याद रखो वो दिन फिर पलट कर आपके आएगा। फिर आपको जो है कमर में झाड़ू बांध लेनी पड़ेगी, इसलिए कि तुम उस वक्त भी दलित थे, आज भी दलित हो, उस वक्त आज भी तुम जो मुसलमानों को कत्ल करके जो है आज ब्राह्मण नहीं बन सकते और किसी मस्जिद में गिरा के तुम जो है किसी ब्राह्मण के दामाद नहीं बन सकते। इसलिए होश के नाखून तुम लोग, और जो है तुमको आपको समझना होगा कि तुमको जो अगर आज़ादी से अगर जीना है तो तुमको जो इस मुल्क का बचाने के लिए और इंसानों की तरह जीने के लिए तुमको जो है हक का साथ देना पड़ेगा। इस संविधान को बचाने की जो कोशिश जो की जा रही है उसका साथ दीजिए, इनके बहकावे में मत आइए। हम इससे पहले भी लड़ते रहे, हम सब मजलूमों का साथ जब भी देते रहे, आज भी साथ देते रहे, हम जो है हक के लिए लड़ते रहे हैं, लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे और इंशाल्लाह जो है अल्लाह की मदद आएगी, हम जो हक को साबित हम जो है गालिब करके रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय भीम। मुस्लिम और दलित ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक धरना चौक पर धरना मुनक़िद किया गया है। इस धरने में सबसे अहम बात यह है कि सेव कॉन्स्टिट्यूंसी, सेव इंडिया, बंद ईवीएम, इस उन्वान के तहत जहाँ पर धरना रखा गया है, क्योंकि इस मुल्क का जो कानून बनाया गया है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलने वाली ज़बानें और दुनिया में सबसे ज़्यादा रहने वाली ज़ातों के बावजूद उन्होंने कैसा रहने के बावजूद भी उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया जिसको सारी दुनिया रेस्पेक्ट से देखती थी। जो कानून हिंदुस्तान में है, मैं समझता हूँ दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसा कानून नहीं है, उसके बावजूद भी चंद 6% इस मुल्क के अंदर दहशत फैलाने के लिए और अपना डोमिनेट बरकरार रखने के लिए इस कानून को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सबसे पहले हमारे दलित भाइयों से, BC भाइयों से, OC भाइयों से यह दरख्वास्त करूँगा कि वो लोग मुत्तहिद होकर इस कानून को बचाएं। अगर ये कानून लागू होता है तो
उसको एक नज़रिया देते जा रहे हैं कि मुसलमानों का नुकसान होने वाला है। मुसलमान का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अगर ये कानून आता है तो सबसे पहले SC ST OBC का रिजर्वेशन ख़त्म होगा, सबसे बड़ा नुकसान उनका होने वाला है। और अगर यहाँ पर हिंदू राष्ट्र कायम होता है तो जो आज से 100-200 साल पहले दलित BC और ST का जो मुकाम था, ये लोग पूरे उनको वही मुकाम पे वापस लेके आने वाले हैं। इसलिए तमाम दलित SC ST BC मुस्लिम मुतहद होकर यहाँ पर आए, क्योंकि अम्बेडकर ने जो कानून बनाया था उसमें रिजर्वेशन देने की अहम वजह ये थी कि जो भी दलित BC ST कोई अगर तरक्की करता है, पोस्ट लेता है, तो अपनी कम्युनिटी के लोगों को ऊपर लाना है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दलित BC ये लोग जहाँ जहाँ पर अपने ऊंचे अहदों पर पहुँचे हैं, वो लोग अपनी कम्युनिटी को बजाए वो लोग अपनी फैमिली को देखें, अपने आप को देखें, जिससे इन कम्युनिटी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब वक्त है कि अगर हम 24 के इलेक्शन में अगर भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन में नहीं रोकते हैं तो RSS 2025 में इस मुल्क के अंदर हिंदू राष्ट्र लाने वाला है, और हिंदू राष्ट्र अगर लाता है तो देश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। थैंक यू। आज धरना चौक हैदराबाद में डॉक्टर अंबेडकर SC ST फेडरेशन की जानिब से दस्तूर बचाओ, देश बचाओ और EVM हटाओ, जमहूरियत बचाओ के उनवान पर ये धरना मुनक्किद किया गया है, और जिसमें मैं शरीक हूँ और हमारे कई साथी यहाँ पर शरीक हैं। और हम सब जानते हैं कि इस वक्त मुल्क के जो कुछ हालात हैं, इन हालात में इस मुल्क को बचाने के लिए साबिक़ में भी मुसलमानों ने अज़ीम क़ुरबानियाँ दी है। इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हमारे असलाफ ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है, और आज जबकि इस मुल्क के अंदर फिस्ताई ताकतें आगे बढ़ती जा रही है, जिससे इस मुल्क की जमहूरियत को बहुत बड़ा ख़तरा लाहक हो गया है, हम ये चाहेंगे कि इस मुल्क के तमाम सेकुलर अवाम, इंसाफ पसंद अवाम इस मुल्क के जमहूरी निज़ाम की हिफाजत के लिए हर तरीक़े का एहतजाज करें। क़ानून के दायरे में रहकर हुकूमतों पर और सियासी पार्टियों पर ये दबाव डालें कि वो कोई गैर दस्तूरी इकदाम न करें। और इसी तरीके से EVM का जो मसला इस वक्त चल रहा है, हम सब जानते हैं कि BJP ने जो इख्तदार हासिल किया है वो EVM के ज़रिए हुआ है। लिहाजा हमारा मतालबा ये है कि जो पहले का सिस्टम था बैलेट पेपर का, उसी को जो है सो आम किया जाए, उसी में जो है ना शफाफियत रहेगी और उसी से लोगों का इलेक्शन पर एतमाद बाकी रहेगा। बड़े अफसोस की बात यह कि हिंदुस्तान अपनी आज़ादी के 75 साल मुकम्मल कर चुका है, लेकिन इस मुल्क में इस वक्त जमहूरियत के जो ख़तरात हैं और इस वक्त की जो फिस्ताई ताकतें यहाँ के दलितों, पसमाना तबकात और ख़ास तौर पर अकलियतों और उनमें मुसलमानों पर जो मजालिम ढा रही है, ये जो है ना बहुत ही अफसोसनाक पहलू है। हम देख रहे हैं कि UP के अंदर बुलडोज़र सियासत के ज़रिए और मुसलमानों के घरों को, उनके मकानों को, हत्ता के मुसलमानों की मस्जिदों को जो है ना बुलडोज़र लगा दिया गया है। इस किस्म की गैर क़ानूनी जो कारस्तानियाँ इस मुल्क में हो रही है, और फिर नफ़रत फैलाने वाले जिस अंदाज़ में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाकर अपने सियासी मफादात की तकमील करना चाहते हैं, इसके लिए हम तमाम जमहूरियत पसंद ताकतों से और जमहूरियत पर यकीन रखने वाले अनासिर से ये ख्वाहिश करेंगे कि वो ऐसी तंजीमों से जुड़े जिसके ज़रिए से हम मुल्क की जमहूरियत का हिफाजत कर सकेंगे और यहाँ पर एक पुरमन माहौल हम पैदा करने में कामयाब हो सकेंगे। शुक्रिया। आज धरना चौक इंदिरा पार्क के ऊपर धरना मुनज़्ज़म किया गया है SC ST फेडरेशन की तरफ से। तो आज हमारा ये धरना जो है EVM मशीन हटाओ और बैलेट पेपर लाओ, EVM मशीन हटाओ देश बचाओ, EVM मशीन हटाओ दस्तूर को बचाओ, इस पर जो है ना हमने धरना मुनज़्ज़म किया गया है। इंशाल्लाह ताला हमारी ये बात स्टेट गवर्नमेंट तक भी जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी ये बच जाएगी, और हमारी ये जद्दोजहद इंशाल्लाह ताला उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक के इंतखाबात आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदार ना हो, और उस वक्त तक के हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी उस वक्त तक जब तक के बैलेट पेपर पे इलेक्शन होना शुरू कर दें। और EVM से इस वक्त धोखा हो रहा है और हम समझ नहीं रहे कि हुकूमतें ये कैसा ये MLA ये स्टेट के अंदर कैसी ये गवर्नमेंट बन गई, कैसी ये जो है ना ये MLA जीत गया, कैसा ये MP जीत गया, हमको समझ में नहीं आ रहा। जबकि वहाँ की आवाम नहीं चाहती कि MLA आए, यहाँ की आवाम चाहती है कि ये MP नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ 25-35-40 साल से आता ही जा रहा। तो पता ये चला कि ये EVM मशीन का सेटिंग एंड फिटिंग एंड कटिंग का मसला
धरना चल रहा है और हमारी जद्दोजहद जारी है कि इंशाल्लाह ताला जब तक ई वी एम मशीन ख़त्म ना हो जाए और बैलेट पेपर हो और आज़ादाना मुनसिफाना गैर जानबदाना इंतखाब हो, ताकि हम अपनी हमारी अपना एम एल ए हमारी अपनी पसंद की हुकूमत बने और इस मुल्क के अंदर इंसाफ की हुक्मरानी आए और सारी कौमों के साथ इंसाफ किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं जावेद हाशमी। आज जो है धरना चौक पे बड़ा शानदार प्रोग्राम रखा गया है कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ महाधरना है इसका। काफ़ी पब्लिक आई है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। जो आने वाले इलेक्शन की जो तैयारी चल रही है एससी एसटी माइनॉरिटी की, इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाब करे ये कोशिश को, क्योंकि हिंदुस्तान में हालात से जो बता रहे हैं आने वाले दिन में बस से बदतर हो जाएंगे हालात। क्योंकि कोशिश ये लगी हुई है कि हम हिंदुस्तानी जो है हर आदमी मिलकर जो है हिंदुस्तान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि एससी एसटी माइनॉरिटी और जितने भी भाई लोग हैं हिंदुस्तानी जितने भी है, क्योंकि हम प्राउड ये फील करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ ये बनता है कि हिंदुस्तान को बचाए रखे और हमारे कानून को बचाए रखे, क्योंकि आने वाले दिनों में जो बीजेपी आरएसएस जो काम कर रही है बिल्कुल गलत कर रही है। इसीलिए हिंदुस्तानी परेशान है यहाँ पर। जो 24 के बाद हालात बहुत बुरे होने वाले हैं, हर किसी के हर हिंदुस्तानी के हालात बुरे होने वाले हैं, जिसमें एससी रहने दो, एससी रहने दो, माइनॉरिटी रहेंगे, दलित रहने दो या कोई से भी कौम रहने दो, उनके हालात बहुत बुरे होने वाले हैं। ये बीजेपी आरएसएस का मुद्दा सिर्फ यही है कि जो है बड़े बड़े पैसे वालों को जो है हिंदुस्तान का जो भी प्रॉफिट रहता उनको बांट कर जो है हिंदुस्तानियों को सताने वाले हैं इन लोग 24 के बाद में। तो हम हिंदुस्तानियाँ जितने भी हिंदुस्तानी कौम है ये ऐसी हुकूमत को आने ना दे। अगर ऐसी हुकूमत अगर आ रही है तो हम सब मिलकर जो है उनसे मुकाबला करने की कोशिश करें। मैं जो है पूरे हिंदुस्तानियों से और ख़ास करके जो है एससी एसटी माइनॉरिटी की जो कोशिश चल रही है उनको जो है साथ में लेकर आप लोग भी आगे बढ़िए और अच्छी से अच्छी हुकूमत लाने की कोशिश करिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तनवीर, जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटी राइट्स प्रोटेक्शन फोरम। आज इंदिरा पार्क पे महाधरना एससी एसटी फेडरेशन न्यू दिल्ली तेलंगाना ब्रांच, जिसकी सपोर्ट एससी एसटी बीसी मुस्लिम फ्रंट और दीगर माइनॉरिटीज ऑर्गेनाइजेशन माइनॉरिटी राइट्स फोरम और दूसरे जो है तंजीमें उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें काफ़ी लोग शामिल हुए हैं और इसका मकसद ये है कि भाई ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ दस्तूर बचाओ। तो ये जो ना दो जो चंद है मुट्ठी भर अनासिर जो 3% जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसको जो है हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करें। लेकिन जो है अगर ये हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होता है 2025 में, तो जब एससी एसटी बीसी और मुस्लिम माइनॉरिटी और जो है माइनॉरिटी दीगर माइनॉरिटीज़ का जो है मुकाम दूसरे शहरी का मुकाम बन जाएगा और इनको जो है तमाम जो सहूलतें तमाम जो आज़ादी है जो दस्तूर देता है वो पूरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इस लिहाजा मैं तमाम एससी एसटी बीसी और माइनॉरिटीज़ से अपील करता हूँ कि भाई आप इस मुहिम में जो है जुड़ जाइए और हर किस्म से शाना बाशाना और जो है हर किस्म से इसका कोऑपरेशन और इसका इनक्रेजमेंट कीजिए और इसकी मुखालिफत कीजिए, वरना ये जो है हमारे लिए ख़तरा है और मुल्क को जो है इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। शुक्रिया। सभी व्यूवर्स को आदाब, मैं एडवोकेट मोहम्मद वसीम, जनरल सेक्रेटरी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया तेलंगाना स्टेट और यूथ वेलफेयर तेलंगाना। आज यहाँ पर धरना चौक पर हैदराबाद में हम लोग सेफ इंडिया सेफ डेमोक्रेसी बैन ईवीएम के उनवान से यहाँ पर धरना मुनक्कद किए हैं। एससी एसटी फेडरेशन के साथ मिलकर हम ये धरना मुनक्कद किए हैं और हम ये समझते हैं कि अगर इंडिया को बचाना है देश को बचाना है तो ईवीएम को बैन करना होगा और उसके साथ साथ हमको यहाँ पर रहने वाले बसने वालों के फंडामेंटल राइट्स का ख्याल करना होगा। जिस तरीके से बीजेपी हुकूमत यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की धज्जियाँ उड़ाते हुए एक के बाद एक जो है ना राइट्स को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, संविधान को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, हम इस मौके पर ये चाहते हैं कि हम सब सारे हिंदुस्तानवासी मिलकर इनका मुकाबला करें और इनका ये जो नारा है अब की बार 400 पार इसको चकनाचूर करते हुए अच्छे लीडरों को पार्लियामेंट के अंदर भेजें। इसी के साथ मैं आप सभी व्यूवर्स से गुजारिश करता हूं कि हम सबको मिलकर फिस्ताई ताकतों का मुकाबला करना है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं दासराम नायक, मैं बामसे प्रचारक हूँ, आदिवासी संगठन का नेशनल एग्जीक्यूटिव मेम्बर हूँ। क्या हैदराबाद में इंदिरा पार्क में
बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा। ये धरना में एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी लोग शामिल है। हमारा एक तीन एजेंडा से चल रहा है यहाँ। एक एजेंडा है आरएसएस बीजेपी को हरवाना। आरएसएस बीजेपी ब्राह्मणों का संगठन है, यहूदी का संगठन है, वो एससी एसटी बीसी माइनॉरिटी में झगड़ा डालते, लड़ाई डालते, रिलीजन के नाम पे, जाति का नाम पे भेदभाव करते आरएसएस बीजेपी, और हमारा हक अधिकार को छीनने का कोशिश कर रहा बीजेपी आरएसएस। इसलिए देश में आरएसएस बीजेपी को हटाना हमारा उद्देश्य है। वो संविधान में अटैक कर रहे, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलाना चाह रहे। कॉन्स्टिट्यूशन में है सो, संविधान में है सो अधिकार हक को पूरा हटाना चाह रहे वो लोग। और संविधान हमको इक्वालिटी दिया हमको, मगर हमारा हक अधिकार छीनने का कोशिश कर रहे। इसलिए आरएसएस बीजेपी को हटाना चाह रहे हम लोग। और आरएसएस बीजेपी इससे बड़ा, मोदी डेली बोलते मैं ओबीसी हूँ ओबीसी हूँ, मगर ओबीसी का भारत में 50% पॉपुलेशन है, उसका गिनती नहीं है। और आरएसएस बीजेपी ओबीसी का गिनती की विरोध कर रहे, ओबीसी रह करके ओबीसी का हक अधिकार नहीं दे रहे, और ओबीसी का विरोध में जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी विट दाखिल कर रहे। एक तरफ ओबीसी को नुकसान कर रहे, ओबीसी का संख्या के आधार पर हक अधिकार नहीं दे रहे, एक तरफ माइनॉरिटी मुसलमान पर, क्रिश्चियन पर अटैक कर रहे, चर्चों पर, मस्जिदों पर अटैक कर रहे, एक तरफ एनआरसीसी अमल करने का कोशिश कर रहे। संविधान में ये मुस्लिम को, क्रिश्चियन को, बुद्धिस्ट को, हर एक आदमी के इक्वल पावर है, मगर आप लोग हिंदुत्व एजेंडे पे आ जाओ बोल रहे। हिंदुत्व हिंदू धर्म नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है। इसको आरएसएस बीजेपी हिंदू धर्म बोल के प्रचार कर रहे। हिंदू का धर्म है तो ओबीसी को हक अधिकार क्यों नहीं मिल रहे? ओबीसी हिंदू नहीं है क्या? एससी हिंदू है, मगर एससी को मंदिर में अलाउ नहीं है। भारत में मंदिर में कुत्ते जा सकते मंदिर में, मगर एससी हिंदू को मंदिर में अलाउ नहीं है। फिर क्यों हिंदू बोल रहे? वोट के लिए हिंदू का नारा दे रहे, वोट लेने के लिए, पावर के लिए हिंदू का नारा दे रहे। फिर एससी हिंदू को अधिकार नहीं है, ओबीसी हिंदू को अधिकार नहीं है, और शेड्यूल ट्राइब को भी जंगल से भगा रहे, हमार जमीन छीनने का कोशिश कर रहे। इसलिए हम लोग एससी एसटी बीसी ओबीसी माइनॉरिटी इकट्ठा होना चाह रहे हम। और तीसरा एजेंडा है बीजेपी आरएसएस का ताक भी नहीं है, जीरो है। बीजेपी आरएसएस ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से पावर में आ रहे, इसलिए हम लोग ईवीएम मशीन हटाओ देश बचाओ नारा से हम लोग 31 जनवरी की लाखों लोगों से हम दिल्ली इलेक्शन कमीशन ऑफिस को घेराव भी किया हम लोग बामसेब के माध्यम से, भारत मुक्ति मोर्चा माध्यम से, मगर मोदी का मीडिया कोई एक सेंटेंस बताया नहीं, लिखा नहीं। हम लाखों लोग दिल्ली को घेराव भी किए, करना चाहिए, संविधान बचाना चाहिए, वोट को जीरो कर रहे बीजेपी आरएसएस। अभी देखो दिल्ली में लाखों लोग, किसान लोग, फार्मर लोग दिल्ली घेराव किए, मगर मीडिया में एक लाइन भी नहीं बता रहे आरएसएस बीजेपी मीडिया। और मोदी को यह है फार्मर किसान वोट नहीं देगा, मगर मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट चोरी करके जीतने वाला हूँ, ऐसा उसको विश्वास है। भारत में डेमोक्रेसी बचना, संविधान बचना, वोट बचना, और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का अधिकार बचना बोले तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हटवाना और बैलेट पेपर से इलेक्शन चुनाव में जाना है। इसलिए हमारा ये डिमांड है। इसी डिमांड से आज यहाँ हैदराबाद में धरना प्रदर्शन, बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन चल रहा। और आरएसएस बीजेपी का एक नारा है मुसलमान और ओबीसी के बीच में झगड़ा डालती। मुसलमान हमारा मूल निवासी है, मुसलमान, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, और एससी एसटी ओबीसी का डीएनए एक है। ब्राह्मणों का डीएनए भारत का नहीं है। कल परसों आप डेली ब्राह्मण लोग एक ओबीसी का सेंसस नहीं करना, कास्ट सेंसस नहीं करना, रो डेली लिख रहे। क्यों लिख रहे भाई? कास्ट सेंसस करेंगे तो यहूदी का, ब्राह्मण का चालाकी बंद हो जाएगा, इसलिए कास्ट सेंसस के विरोध कर रहे हम लोग। आज हैदराबाद में कास्ट सेंसस करना है,
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बंद करना है, संविधान बचाना है, ये मुद्दे पे हम बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सारा तेलंगाना में करेंगे, सारा भारत में करेंगे। 22 को दिल्ली में पार्लियामेंट घेराव करने वाले हैं हम लोग। जय मूल निवासी, जय भीम। मैं जी शंकर हूँ। मैं ये कॉन्फेडरेशन के जो है ना, मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ। उस माध्यम से आज हमने यहाँ पर धरना लगाया इंदिरा पार्क के पास में। धरने का मुख्य मुद्दा ये है कि संविधान को बचाना है और संविधान को जो है ना तब्दील नहीं करना है। दूसरी जो है ना ईवीएम को जो है ना हटाना है और पर्सनल वोटिंग को देना है। तीसरा मुद्दा है संविधान के 9th शेड्यूल में जो ना जो शेड्यूल कास्ट के जो है ना रिजर्वेशन है उसको 9th शेड्यूल में रखना है। और तीसरा पहला मुद्दा ये वजन मुद्दा ये है कि जो हमारे साथ ही साथ जो है ना माइनॉरिटीज़ को और बैकवर्ड क्लासेस को ओबीसीज़ को भी जो है ना वोटिंग राइट में जो है ना ऐसा तो है लेकिन उनको भी जो है ना वोटिंग में जो है ना उनको भी जो है ना वोटिंग के राइट्स में जो है ना रिजर्वेशन लागू करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये भारत देश में पिछड़े वर्ग जो बोलते हैं वो एससी एसटी बीसी ओबीसी और माइनॉरिटीज़ का मतलब मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस और अदर। सो इस जमहूरियत में जो है ना ये पूरे मिलके जो है ना 90% रहते हैं और 10% लोग ही जो है ना आज जो है ना ये देश को चला रहे हैं, उसके ऊपर अपना कानून को लागू कर रहे हैं। तो ये इस बात में जो है ना जब बीजेपी संविधान के माध्यम से जब जीता है और आज राज चला रहा है, वो लोग ये चाहते हैं जो है ना 3000 साल के जो है ना पहला जो संविधान था उस संविधान को लेकर आगे आना चाहते हैं। तो उसको जो है ना वो जो है ना एक एक वर्ग के लिए एक एक मुद्दा रखा हुआ है, अगर उसको पूरा नहीं जाते हुए मैं चाहता हूं कि जो ना उसको मुद्दे को जो है ना बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 दिसंबर को जो है ना जला दिया है। जिस दिन जो है ना क्रिसमस होता है उस दिन उस मुद्दे को जो है ना जला दिया है। उस जला दिया सब मुद्दे को जो है ना फिर वो सामने लेके आना चाहते हैं, वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और वो लेके आने से जो है ना देश का बंटवारा हो जाएगा। जो बाबा साहब ने देश को एक तरह बनाया है, इतने भी जो है ना कौम के हैं जितने भी डिफरेंसेस थे वो सबको मिला के संविधान बना के सभी को जो है ना एक जगह लेके आए, अगर वो करेंगे तो पूरा देश मिट जाएगा। देश के जो है ना लोग जो ना अपने अपने राज को फिर बना लेंगे, फिर एकता में नहीं रहेंगे, फिर पुराने के जैसा एक राष्ट्र और दूसरे राष्ट्र जो ना झगड़ा करते रहेंगे, लड़ लेते रहेंगे। इस बीच में मैं आपको बताता हूँ कि पानी के वास्ते 3 जो ना स्टेट्स जैसा झगड़ा कर लिए खाली पानी के वास्ते संविधान में रहने के बावजूद भी जो है ना झगड़ा करना हुआ। आज जो ना उस मामले को जो है ना आज तक भी जो है ना केंद्र जो है ना उसको तहसील नहीं कर सक रहा, उसका संविधान नहीं दे सक रहा, समाधान नहीं दे सक रहा। तो खाली पानी के मुद्दे को जब समाधान नहीं दे सकता केंद्र, तो पूरे देश में जो है ना ये लेके आके देश के लोगों में बंटवारा हो जाएगा, तो वो लोगों को कैसा बचाएंगा। पूरा इस माध्यम से जो है ना पूरा सर्व क्योंकि वर्ल्ड में जो है ना फिर कानून के माध्यम से भारत जो है ना फिर नीचे गिर जाएगा, लड़ने के उसमें आ जाएगा। तो वो उस माध्यम से बचाना था, कहाँ बाबा साहब को उन्हें बचाया। और ये जो सब मुद्दे को लेकर जो आरएपी जो काम कर रहे हैं आज, वो लोग बंटवारे की कोशिश कर रहे, जो हक है वो हक को निकाल देने की कोशिश कर रहे। उस माध्यम से ऑलरेडी जो है ना एक इस कौम के बीच में जो है ना झगड़े। इसलिए हम ये डिमांड करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ, संविधान को बचाना है तो संविधान को बदलना नहीं है। और दूसरा ईवीएम का जो वोटिंग सिस्टम है उसको पूरा ख़त्म करके मैनुअल वोटिंग को लेके आना है। एससी का रिजर्वेशन को 9th शेड्यूल में रखना है और साथ ही साथ जो है ना बीसी और माइनॉरिटीज को भी जो है ना रिजर्वेशन लागू करना है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी लागू करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा डिमांड है। मैं